स्वच्छ भारत अभियान के हजारीबाग जिला संयोजक नीरज कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का 19 अगस्त को समापन होगा। 21,000 पौधारोपण करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने बताया कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम कार्यक्रम के तहत एक पेड़ अपने आसपास लगाकर वातावरण को स्वच्छ बनाना है। 19 अगस्त के दिन 3 बजे से भक्ति जागरण कार्यक्रम होगा, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल समेत कई लोग शामिल होंगे। आज आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य था? सभी को जय सियाराम, जोहार। आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण है कि 19 तारीख को जो मेरा कार्यक्रम तय है हजारीबाग जिला में, जो 21,000 मेरे नेतृत्व में जिला कमेटी के द्वारा वृक्षारोपण किया गया, उसका जो है समापन है। समापन में जो है आपका 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कार्यक्रम निर्धारित है। 11 से 12 रुद्राभिषेक किया जाएगा, 12 से 2 बजे के बीच में आपका प्रसाद वितरण किया जाएगा, 2 से 3 बजे आपका 5,000 पेड़ का जो है फ्लैक्स के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा, और 3 बजे से 6 बजे भक्ति जागरण का जो है व्यवस्था किया गया, जिसमें हजारीबाग के देवतुल्य जनता से आग्रह है कि साफ परिवार आके जागरण का आनंद लें। आपका कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होंगे? हजारीबाग के जिला कमेटी सहसंबंधित जिला अध्यक्ष के साथ सभी मंच मास्टर, झारखंड प्रदेश के कमेटी, इसमें मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी उपस्थित होंगे, स्वच्छ भारत अभियान के प्रदेश अध्यक्ष श्री शशिभूषण ओझा जी मौजूद रहेंगे, हमारे हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद मनीष जायसवाल जी उपस्थित रहेंगे, और कुछ जो है जिला प्रशासन के लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपने पेड़ पौधा लगाना कहाँ से सीखे? हम लोग का घर का संस्कार है, और जिस टाइप का हजारीबाग हजारों का बाग है,